स्वागत है आपका दमिचला में और मैं हूँ अमन। मौजूद हूँ मैं अभी शाहीन बाग में और जैसा कि आप लोग जानते हैं शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला था। आज मैं उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे बुलडोजर चलने वाला है। शाहीन बाग की वो जगह है ये जहाँ पे कभी शाहीन बाग CINRC का प्रोटेस्ट हुआ करता था। आज देख सकते हैं लाखों की भीड़ में लोग यहाँ पर जमा है। बुलडोजर भी थी लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि MCD जो दिल्ली है, दिल्ली MCD वो अवैध निर्माण को लेकर के यहाँ पर बुलडोजर चलाने वाली थी और आज वही दिन है जब यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तक तो चला नहीं है लेकिन चलने वाला है। हालात आप देख सकते हैं यहाँ पर, पुलिस फोर्स, पुलिस बल, जेंट्स और लेडीज, महिला और जेंट्स दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में, और पब्लिक, जनता, और जनता के साथ साथ मीडिया, ये दोनों और बहुत ज़्यादा संख्या में है। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा, मैंने थोड़ा दूर से लिया है ताकि आपको ये समझ में आए। इन जो ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं इसमें से कुछ बिल्डिंगें अवैध निर्माण है जिसको हटाया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। और आप देख सकते हैं ये नोएडा जाने का रास्ता है जहाँ पर कभी CINRC प्रोटेस्ट हुआ करता था। पुलिस बल और मीडिया बल आप देख सकते हैं वहाँ पर विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाने देंगे, हालांकि ये अवैध निर्माण में आ रहा है। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं शायद इसे भी हटाया जाए, लेकिन अभी देखते हैं, बुलडोजर तो लगी हुई है, विरोध भी हो रहा है। देखते हैं MCD कब तक ये बुलडोजर से इन सब का अवैध निर्माण को, जिसको अवैध निर्माण बताया गया उसको हटाया जाता है। दिल्ली में कई जगह बुलडोजर चलने वाले जिसमें से आज शाहीन बाग 9 तारीख को शाहीन बाग का नंबर है। हालात आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर हालात, और मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। और तो दोस्तों ये शाहीन बाग की वो जगह है जहाँ पर बुलडोजर चलने वाला था, हालांकि ये चला तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपको बताया इतना जो शोर हंगामा या इतना गुल जो मचाया गया वो सिर्फ इसलिए के लिए क्योंकि ये छोटी सी चीज स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है तंबू इस बिल्डिंग से केवल उसको गिराया गया। ये तो खुद एक्सटर्नल है, रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और रिपेयर करने के बाद हटा दिया जाता है, और इसके लिए केवल इतना हंगामा और इतना तामझाम किया गया। आप देख सकते हैं पुलिस, मीडिया और फोर्स लगाने से क्या फ़ायदा जब इसी को गिराना था, इतनी छोटी सी चीज़ को, जबकि ये खुद आप जानते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में लगाया जाए इसे तो केवल इसको सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, रिपेयर करने के लिए। और ये भी बुलडोजर ने नहीं गिराया, केवल यहाँ के लोकल लोगों ने इसे गिरा दिया है। वो वीडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर होती तो मैं आपको ज़रूर वो भी वीडियो दिखाता, लेकिन आप खुद देखिए इतने बड़े बिल्डिंग कहीं भी बुलडोजर नहीं चलाया गया। MCD का बुलडोजर यहाँ से चला गया है, फोर्स भी चली गई है, थोड़ा मीडिया यहाँ पर है, वहाँ पर अंजनाम कश्यप है इसलिए वहाँ पर थोड़ी भीड़ लगी हुई है लोगों का सेल्फी वेल्फी लेने के लिए या जो भी हो, और ये मीडिया बस इतना ही है। और ये सब बिल्डिंग है आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी है जिसका स्ट्रक्चर गिराया गया, वो भी बिल्डिंग वैसे ही है। इधर भी देख सकते हैं आप सब कुछ सलामत है, केवल और केवल इतना शोर और हंगामा केवल इसके लिए किया गया जो एक्सटर्नल है, लगाया जाता है रिपेयर के लिए। आप कुछ समझ सकते हैं कि MCD को इतना पुलिस के आला अधिकारी से बात की जा रही थी कि हमें फोर्स दो, और उसके बाद कोर्ट से परमिशन लिया गया केवल इसके लिए एक्सटर्नल गिराने के लिए। ये तो 2-4 दिन 10 दिनों में खुद हटा दिया जाता जब इसका रिपेयर का काम हो जाता है, इसके लिए सब करने की क्या ज़रूरत थी। और अभी पुलिस प्रशासन या बुलडोजर चला गया यहाँ से तो ये 1-2 दिनों में फिर से लगा दिया जाएगा क्योंकि इनको बिल्डिंग का रिपेयर करना है तो वापस लगा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसे समेटा जा रहा है। अगर इस छोटे से काम के लिए इतना बुलडोजर या फिर इतनी फोर्स बुलानी पड़े MCD को, आप खुद समझ सकते हैं क्या हालात चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं इतने छोटे से काम के लिए। आप देख लीजिए, आप इसे जानते होंगे, तंबू देख के समझ जाएंगे रिपेयर करने के काम में आता है, और ये इस बिल्डिंग में लगा हुआ था, कुछ वहाँ पे ऊपर अभी भी लगा हुआ है, वापस इसे फिर लगा दिया जाएगा। भीड़ इतनी इकट्ठी कर ली गई, पुलिस प्रशासन इतना इकट्ठा कर लिया गया यहाँ पर, आला अधिकारी से पुलिस के ऑर्डर लिया जा रहा था कि मुझे फोर्स चाहिए, शाहीन बाग में बुलडोजर चलाना, ये रहा बुलडोजर चलाया, वो भी बुलडोजर पुलिस ने नहीं चलाया, सॉरी वो भी बुलडोजर MCD ने नहीं चलाया, यहाँ के लोकल लोगों ने गिरा दिया इसे। इसको गिराने के लिए क्या बुलडोजर की ज़रूरत होती है? आप देख सकते हैं कोई बुलडोजर नहीं, ये तो हाथों से गिराया गया है और हाथों नहीं गिराया इसे कर दिया। शाहीन बाग में MCD को जो तोड़ने के लिए मिला आज वो ये मिला, दिखा दीजिए, ये है जो आज MCD को मिला तोड़ने के लिए। आज दिल्ली के शाहीन बाग में जो दिल्ली MCD ने अवैध कब्जा हटाया है उसका मलबा मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी बड़ी संख्या में, कितने बड़े तादाद में उनका मलबा यहाँ पड़ा हुआ देख लीजिए। ये दिल्ली MCD ने आज ये मलबा गिराया है बुलडोजर से, ये मलबा वो है जिस पे दिल्ली MCD ने इस मलबे को गिराया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये मलबा है जो दिल्ली MCD ने आज इसे गिराया है। ये नज़ारा शाहीन बाग का है,
जहाँ पे कई दिनों से चल रहा था कि बुलडोजर चलाया जाएगा, अवैध कब्जा हटाया जाएगा, वो अवैध कब्जा यही है जो आप देख रहे हैं।